नमस्कार, शाम की 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पंजाब की सियासत में आज का दिन सिद्धू के नाम रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू कल अमृतसर पहुंचे और आज स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जो कैप्टन अमरिंदर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सिद्धू ने दावा किया कि कांग्रेस के 62 विधायक उनके साथ थे, जिनमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। सामने 2022 की चुनावी लड़ाई और कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह से सियासी जंग, स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब में नवजोत सिंह सिद्धू की हाजिरी बड़े जंग की तैयारी का आगाज है। अमृतसर का होम ग्राउंड, अमृतसर की सियासी पिच और स्वर्ण मंदिर में गुरु का आशीर्वाद। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में अपनी नई पारी की धमाकेदार शुरुआत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद सिद्धू माथा टेकने स्वर्ण मंदिर पहुंचे। एक लाइन बोलांगा, बार माता दी जोत दे उत्ते खड़ के उस जोत नाल एक होके अरदास कीती है कि पंजाब दे कल्याण च मेरा कल्याण निहित कर। ये महज मंदिर दर्शन नहीं था, ये सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन था। सिद्धू ने दावा किया कि उनके साथ कांग्रेस के 62 विधायक हैं, जिनमें 3 मंत्री भी हैं। उनका दावा कितना बड़ा है, ये 2017 के चुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है। 2017 में पंजाब की कुल 117 सीटों में से कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, आपको 20, अकाली दल को 15 और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में 77 विधायकों में से सिद्धू 62 विधायकों का साथ होने का दावा कर रहे हैं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर सिद्धू का दावा सही है तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान को भी अपनी ताकत का अंदाजा करा दिया है। वहीं सिद्धू ने कल ही ट्वीट कर साफ कर दिया था कि ये बदलाव की बयार है। मंगलवार को अमृतसर पहुंचने के बाद समर्थकों के हुजूम के साथ सिद्धू ने वीडियो ट्वीट किया था। फिर आज सुबह उन्होंने अपने घर पर विधायकों की बैठक बुलाई। दावा किया गया कि नाश्ते पर 50 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। तस्वीरें बता रही हैं कि बड़ी संख्या में विधायक सिद्धू के घर इकट्ठा हुए। करीब 3 घंटे तक विधायकों के साथ सिद्धू की मंत्रणा हुई। यहां आए कुछ विधायकों ने खुलकर सिद्धू के पक्ष में आवाज बुलंद की। प्रताप सिंह कैरो जी मुख्यमंत्री बने से ओदे तो बाद मैं लगता भी पहले बारी हिंदुस्तान दे विच जे कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो नवजोत सिद्धू बनेगा। सिद्धू के घर से ये सारे विधायक बस से सवार होकर स्वर्ण मंदिर के लिए रवाना हुए। स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर सिद्धू के हाव भाव बता रहे थे कि उन्होंने ज्यादातर विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, लेकिन वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब भी मना नहीं पाए। अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अमरिंदर सिंह ने शर्त रखी है कि जब तक सिद्धू उनके खिलाफ बयानबाजी के लिए माफी नहीं मांगते उनसे वो नहीं मिलेंगे। इस बीच सिद्धू स्वर्ण मंदिर में गुरु का आशीर्वाद लेने गए क्योंकि उनके सामने 2022 की बड़ी चुनौती है, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ पंजाब में कांग्रेस को जीत दिलाना है और कैप्टन से तनातनी जारी है। मंजीत सहगल, अमृतसर आज तक। पंजाब के लिए सुलह का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके हिसाब से कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री बने रहेंगे और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू पार्टी की कमान संभालेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले से दोनों के बीच सुलह होती हुई नहीं दिख रही। पंजाब कांग्रेस के 2 सरदार दोनों ही असरदार, मगर इनके बीच की तकरार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सिद्धू दरबार साहिब से लेकर विधायकों के दर पर उन्हें मनाने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के कैप्टन से बात तो छोड़िए, उन्होंने मुलाकात तक नहीं की। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बने हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को बधाई तक नहीं दी। कैप्टन अड़े हैं कि सिद्धू पहले उनके खिलाफ दिए बयानों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। सीएम के मीडिया सलाहकार ने कैप्टन का रुख साफ कर दिया है। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात का वक्त मांगा है, ऐसी खबरें गलत हैं। सीएम के रुख में कोई बदलाव नहीं है। सीएम तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू उन पर निजी हमलों के लिए माफी नहीं मांगती। दूसरी तरफ सिद्धू समर्थक कह रहे हैं कि सिद्धू भला माफी क्यों मांगे, आला कमान का फैसला उनके आरोपों पर मुहर है। अमृतसर में सिद्धू के घर नाश्ते पर पहुंचे कांग्रेस विधायकों को सुन लीजिए।
ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਿਰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दरअसल सिद्धू और कैप्टन के बीच तकरार की आग को दोनों तरफ से हवा दी जा रही है। सिद्धू को जब पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई तो उन्होंने सोनिया, राहुल और प्रियंका को तो बधाई दी, लेकिन कैप्टन को भूल गए। जवाब में कैप्टन ने भी बधाई नहीं दी। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने दोनों सरदारों के बीच सुलह का जो फॉर्मूला निकाला वो फेल होता दिख रहा है। अमरिंदर को भवन में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो सिद्धू ही नहीं कांग्रेस हाईकमान से भी नाराज है। इसकी एक नहीं कई वजह है। कैप्टन अमरिंदर के विरोध के बावजूद सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाया गया। सिद्धू जब भी दिल्ली आए कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका से उनकी मुलाकात हुई। दूसरी तरफ कैप्टन को हर बार इंतजार कराया गया, फिर भी कांग्रेस हाईकमान उनसे नहीं मिला। कैप्टन अमरिंदर को 3 सदस्यीय कमेटी के आगे पेश होना पड़ा। अब उनकी माफी की शर्त पर भी आलाकमान चुप है। वैसे कैप्टन पहली बार पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुंह फुलाए नहीं बैठे। प्रताप सिंह बाजवा को भी कमान सौंपे जाने पर उन्होंने विरोध किया था। फिर 2-3 दिन बाद कैप्टन और बाजवा साथ साथ डिनर कर रहे थे। प्रताप सिंह बाजवा पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन लगे सी तां इन्हां ने एक चिट्ठी लिखी सी सोनिया गांधी जी नूं ते उहदे विच इन्हां ने पता नहीं की लिखिया सी। ते हुण 2-3 दिन होए आ दोने लीडर डिनर करके गए आ, मैं चंगी गल आ। प्रगट सिंह कैप्टन का बड़ा दिल दिखाने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान का फैसला कैप्टन के पर कतरने के संकेत दे रहा है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां 79 साल के हो चुके हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू 57 साल के हैं और कांग्रेस के लिए लंबी पारी खेल सकते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो आलाकमान को लगने लगा था कि अमरिंदर का कद कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। ऐसे में उनके पर कतरने के लिए सिद्धू को प्रदेश की कमान सौंपी गई। कांग्रेस के आला नेताओं का सिद्धू से बार बार मुलाकात करना जबकि कैप्टन से दूरी बनाए रखना इसी की ओर संकेत देता है। मगर अब बड़ा सवाल यही है कि कैप्टन को नाराज करके अकेले सिद्धू के दम पर कांग्रेस 2022 की वैतरणी क्या पार कर पाएगी। लिहाजा कोशिश यही होगी कि सिद्धू और कैप्टन के बीच जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। अमृतसर से मनजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के झगड़े में विपक्ष को मौका नजर आ रहा है। दरअसल सिद्धू ने कांग्रेस में रहते हुए भी कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला था। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के सामने संकट है कि वो आगे क्या करे। सिद्धू की सियासत भी कमाल की है। कभी बीजेपी के साथ रहकर कांग्रेस को कोसते रहे तो कांग्रेस में आकर भी अमरिंदर सरकार को निशाने पर लेने से नहीं चूके। बिजली संकट, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, नशा माफिया, सच बोलने वाले विधायकों पर कार्रवाई, ऐसे तमाम मुद्दों पर सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरते रहे। दूसरी तरफ विपक्षी नेता उन्हें मिसगाइडेड मिसाइल बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है, कितने मर्जी डायरेक्शन हो सकती है। अज तक जे तुसी उहदा 20-25 साल का इतिहास देखो किसे नाल नहीं बनी होती। इन आरोपों के जवाब में सिद्धू ने बादल को कहा था कि मैं गाइडेड हूं और मेरे निशाने पर आपका भ्रष्ट बिजनेस है। वैसे सिद्धू बेअदबी मामले में कैप्टन और बादल के बीच साठगांठ का आरोप भी लगा चुके हैं। मगर विपक्ष से दो दो हाथ करने तक तो ठीक है, मगर कैप्टन और पंजाब प्रदेश के इस नए कैप्टन के झगड़े में आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को मौका नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी भी चुटकी ले रही है। देखिए, यहाँ दो कांग्रेस है, एक अमरिंदर कांग्रेस है, कांग्रेस ए, एक कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस है। इंदिरा कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस आई के अध्यक्ष सिद्धू जी बने, उनको शुभकामना। बीजेपी से ही हमारे पुराने साथी हैं, वहाँ जाके बॉस बन गए पंजाब कांग्रेस के, अच्छी बात है। और दूसरी तरफ 4 कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन साहब के लगा दिए गए हैं, तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और अंदरूनी विवाद है, हम तो बाहर से दर्शक हैं, देख रहे हैं। सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई अभी और तेज होने के आसार हैं।
कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि चुनाव तक अमरिंदर ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं अमरिंदर जल्दी ही कैबिनेट में फेरबदल करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस फेरबदल में वो तीन मंत्रियों का पत्ता साफ कर सकते हैं जो सिद्धू के साथ मिल गए हैं। ये है तृप्त राजिंदर सिंह, जिनके घर अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू का स्वागत हुआ और 20 विधायकों के साथ बैठक हुई। दूसरे हैं सिखजिंदर सिंह रंधावा, जो सिद्धू के साथ खड़े हैं, और तीसरे हैं चरणजीत सिंह छन्नी। 2022 चुनाव से पहले सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई कांग्रेस की सेहत के लिए ठीक नहीं है और कांग्रेस हाईकमान के सामने टेंशन के इस इन्फेक्शन को जल्द दूर करने की चुनौती है। चंडीगढ़ से सत्येन चौहान और अमृतसर से मंजीत सैगल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन शाम 5 बजे आज दंगल में हमारा मुद्दा है कि आप विपक्ष की दीदी बनेंगे ममता बैनर्जी, जरूर देखिएगा। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। पंजाब में कांग्रेस का प्रधान भले ही बदल गया, लेकिन अंदर खाने जबरदस्त खींचतान जारी है। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन विरोधी खेमा मंदिर दर्शन के बहाने शक्ति परीक्षण में जुटा हुआ है। सिद्धू ने 80 में से 62 विधायक अपने पाले में होने का दावा किया है। ये सभी विधायक और 3 कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कारों और एक बस में सवार होकर स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे। अध्यक्ष बनने के 3 दिनों के भीतर ही नवजोत सिंह सिद्धू ने 80% विधायकों के समर्थन जुटाने का दावा करके कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे को बड़ा झटका दिया है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान और सिद्धू को कैप्टन खेमे की अनदेखी करना 2022 के चुनावों में भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के आपसी खींचतान का फायदा क्या आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल जैसी विपक्षी पार्टियों का हो सकता है, राह तो वो यही देख रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए सिद्धू ने आज अपनी ताकत दिखाई। देखिए एक साथ कतारों में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के ये विधायक खड़े हुए हैं, जो अपनी ताकत सीधे सीधे विपक्षी दलों को नहीं कैप्टन गुट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में 6 महीने के बाद यूपी उत्तराखंड के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। यकीनन 2017 में पंजाब ही एक ऐसा राज्य था जिसको कांग्रेस पार्टी ने शानदार तरीके से जीता था, लेकिन इस बार तो अपने ही खेमे में गुटबाजी और सिरफुटवल कांग्रेस के भीतर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।